भगवान मेरे जैसी जिंदगी किसी को मत देना, किसी भी लड़की को बस मेरे जैसी जिंदगी नहीं दे। मुझे जो स्टॉक से बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं था थी कि वो ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू निशिकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो देख के तो आपको समझ ही आ गया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, ये कोई ब्लॉग नहीं है, एक छोटा सा वीडियो है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और मुझे नहीं पता ये छोटा है बड़ा है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ और वो ही मैं कर रही हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरा जूस स्टॉक का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ पहले वो देखना, उसके बाद ये वीडियो पूरा देखना। तो जूस स्टॉक का वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि जब से जूस स्टॉक पे वीडियो आया तब से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, मेरी DM में भी बहुत सारी क्वेश्चन है, मेरी कॉमेंट सेक्शन में भी बहुत सारी क्वेश्चन है, आपने क्या बताया, क्या नहीं बताया, क्यों नहीं बताया, एवरीथिंग, सारी चीज़ें मैं अभी क्लियर करती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि जी हाँ, मुझे जो स्टॉक से बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं था थी कि वो ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। अगर मुझे ऐसा कुछ पता होता तो मैं अवेयर रहती इस चीज़ से और पहले ही मैं ये सारी चीज़ें क्लियर कर देती, ठीक है। सेकेंड थिंग कि कुछ लोगों ने बोला है कि वीडियो में आपने बहुत कुछ बोला है और बहुत कुछ नहीं बोला है, क्योंकि वो मेरी लाइफ स्टोरी बहुत अच्छे से जानते हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को वो भी बता देते हैं। क्या होता है ना कि उनकी, मैंने उनसे बात की जिन्होंने मुझे बुलाया था, मैंने उनसे पूरी क्लियर बात करी कि क्या हुआ है, मेरी वीडियो इतनी ज़्यादा एडिट है। उन्होंने हमें बताया कि हमें टाइम लिमिट दी जाती है कि आप 20 से 25 मिनट तक का वीडियो रखेंगे, इससे ज़्यादा का वीडियो नहीं रखेंगे। तो हमने उस अकॉर्डिंग आपकी वीडियो को रखा और बहुत सारी चीज़ों को एडिट किया, हमने सिर्फ आपकी जर्नी को शेयर किया है बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि फुल फॉर्म में आपके चैनल पर है। सो जिनको आपकी लाइफ के बारे में जानना होगा डायरेक्ट वो आपके चैनल पे आके जान लेंगे। तो ये तो हो गई बात कि वीडियो बहुत ज़्यादा एडिट है। अब एडिट कौन कौन से पॉइंट्स हैं और मुझे किन चीज़ों से आप गलत समझ रहे हो या फिर क्या है, मैं सब बातें बोलती हूँ। सबसे पहले आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच, क्योंकि आप सभी लोगों ने जो प्यार मुझे दिखाया है ना जूस स्टॉक की वीडियो के बाद, सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। आप लोगों की DMs, आप लोगों की कमेंट्स मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं, मुझे ऐसा बता रहे हैं कि भले ही आपने कुछ भी झेला हो हम आपके साथ हैं। और मुझे सच सीरियसली मुझे बस यही चाहिए, मुझे इससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं है कि आप मेरे साथ हो। मुझे आप लोगों से बहुत मतलब है, मैं ये नहीं बोल सकती मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, मुझे आपसे बहुत मतलब है और आप मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करते हो। क्योंकि जिस टाइम पे मैं कम्प्लीटली डिप्रेस्ड थी, जिस टाइम पे मुझे सबसे ज़्यादा आप लोगों की ज़रूरत थी, उस टाइम पे आप लोगों ने मेरा हमेशा साथ दिया है। कभी ज़िंदगी में भी अगर उसका एहसान चुकाने बैठें तो हम नहीं चुका पाएंगे, क्योंकि पर्सनली हम किस किस का धन्यवाद करें। तो आप सभी को दिल से धन्यवाद। कुछ परसेंट ने नेगेटिव बोला उसको मारते हैं गोली। अभी उस टॉपिक पे बात करते हैं जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने आई हूँ। पहली चीज़ वीडियो एडिट है, वीडियो एडिट है। जो मेन पॉइंट्स हैं जो नहीं हैं वीडियो में, मुझे लगता है कि वो होने चाहिए थे लेकिन उतने जल्दी हो नहीं सकते थे, दैट्स वाई उन्होंने एडिट किया। तो मैं सारी चीज़ें आपको आज बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने जहाँ पे मैंने ये बोला है कि मेरे मायके में मैं ऐसे ऐसे रही हूँ, वहाँ पे मैंने ये भी बात बोली थी। एक तो जिक्र आप लोगों को मतलब मैंने बताया था उधर वीडियो में कि मैंने कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली है, मेरी एज उस टाइम पे जब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई थी, मेरे परिवार की, मेरे मायके फैमिली की, तब मेरी एज रही होगी 8.5-9 साल की, सिर्फ 8.5-9 साल की, जब मैंने मेरे घर की काफ़ी सारी चीज़ें संभाली थी, बिकॉज माई वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे। तो ये चीज़ थी और उसका पूरा जिक्र बताया था, जो मैं आप यहाँ नहीं बताना चाहती हूँ, मैंने वहाँ बताया था। तो कुछ लोगों ने, एक कमेंट था कि आप अपने पापा को, क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छी वेल विशर है, तो उन्होंने बोला कि जो मतलब डाइड हो गए उनके बारे में आप ऐसे, जो अब इस दुनिया ही में नहीं रहे आप उनके बारे में ऐसे मत बोलो। तो मैं आपको बोलूँ, मेरे मम्मी मेरे पापा मेरी लाइफ का सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक है। और अगर उनसे जुड़ी हुई मैं हूँ, मतलब मैं उनका कतरा हूँ, तो एक होता ना कि एक शरीर है और उसका कतरा है, वो अलग कैसे हो सकता है? तो मैं चाह के भी उस चीज़ को अलग नहीं कर सकती। तो मेरे पापा मेन थिंग थे जो मुझे मायके में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा। बहुत बचपन से जब मैं खेलने कूदने के दिन थे तब मैं घर की चीज़ों में लगी थी।
मेरा कहने का सीधा सा सिद्धांत ये था कि ऐसा ऐसा हुआ, पढ़ाई हमने कैसे की वो सारी चीज़ें भी मैंने बताई थी कि मैं सरकारी स्कूल से पढ़ी लिखी हूँ, मैं कोई बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, 12th पास किया है मैंने। सेकेंड थिंग थी जो मैंने नई वीडियो में मतलब देखी कि है। थर्ड, मेरी एक गलती की वजह से मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई और आज जितना भी मैंने स्ट्रगल किया है वो सिर्फ उस गलती की वजह से था, नहीं तो मुझे ये सब नहीं झेलना पड़ता। शायद अभी इस एज में मेरी शादी भी नहीं होती, क्योंकि मेरी सारी सिस्टर्स की शादी 25 के बाद ही हुई है, तो 25 किसी की 27 में हुई है, किसी की 28 में हुई है, तो मैं कहाँ से मेरी जल्दी हो जाती। तो जिस एज में आज मैं हूँ उस एज में मेरी शादी भी नहीं होती, ऊपर से मैं छोटी घर की। तो मैंने वो सारी चीज़ें भी बोली थी, एंड ऑल्सो मैंने ये भी बोला था कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी वो, और मैंने इस चीज़ को बिल्कुल अपनी गलती माना था। क्योंकि मुझे एक कमेंट वहाँ पे दिखा कि ये अपनी गलती नहीं मानती, भाई मैं हमेशा अपनी गलती मानती हूँ। मैंने हमेशा बोला है कि गलत कदम था वो, एक डर में लिया गया स्टेप था जो कि सबसे गलत था। लेकिन उसके साथ साथ मैंने ये भी बोला था कि प्लीज़ ये सब मत करना कभी, क्योंकि मैंने इसी बच्चे से इतने सारे स्ट्रगल किए। सोचो अगर उस टाइम पर मेरे हस्बैंड मेरा सपोर्ट नहीं करते तो क्या आज मैं यहाँ खड़ी होती? नहीं। तो पहली चीज़ तो मैंने वहाँ पे ये बोली थी जो मुझे लगता था कि वो ज़रूर होनी चाहिए थी, ठीक है, वो उनकी गलती नहीं है। उनकी गलती कहीं से कहीं तक मुझे नहीं लगी, मुझे ये लगा कि क्या करते, वो एडिट करना था। और वो जो मैंने बात बोली थी ना, वो बात इतनी बड़ी थी कि मे बी 5 से 6 मिनट खा जाती, तो उनने वो टॉपिक ही ख़त्म कर दिया, ताकि वो एक छोटा टॉपिक होता और उस पर बात बड़ी होती है। तो वो मेरे साथ था, मैंने टॉपिक मेरा छोटा था कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए वो भी बहुत बड़ा था, ठीक है। तो मे बी शायद इसलिए उन्होंने एडिट किया। तो ये तो हो गया वहाँ का। उसके बाद मैंने यहाँ आने के बाद क्या मेरे साथ हुआ था और कैसे हुआ था वो सारी चीज़ें आई उसमें, और उस चीज़ से मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई फ़र्क पड़ा है, क्योंकि जो भी जितना बताएगा वो इनाफ है। और मैंने अपनी फैमिली वालों का ज़्यादा, ये भी मुझे कमेंट था कि आपने अपनी फैमिली वालों का ज़्यादा नाम नहीं लिया। जी हाँ, मैंने नहीं लिया, क्योंकि मुझे जो बोलना था मैं अपनी वीडियोज़ में बोल चुकी हूँ। अभी मुझे किसी से कोई बदला नहीं लेना है, जो चल रहा है चलने दो, और मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ी परेशानियाँ हैं, आज भी हैं, मैं ट्रबल आज भी कर रही हूँ, बट ये है जब इतनी सारी चीज़ों से निकल चुकी हूँ तो इनसे भी निकल ही जाऊँगी, ठीक है। तो इतनी हिम्मत अभी है। तो घर का तो जो भी था मैंने वो बताया, इधर का एक बहुत बड़ा इंसिडेंट भी बताया था जो मैं अब यहाँ पे तो नहीं बताना चाहती। वहाँ बताया था अगर वो आ जाता तो अच्छी बात थी, नहीं आया तो कोई बात नहीं, अब मुझे उस पर कॉन्टेंट नहीं बनाना। मैं यूट्यूब पर कैसे आई, मेरे हस्बैंड की कमाई इतने से शुरू हुई, मैंने ये भी बताया था। उन्होंने जॉब कब छोड़ी ये भी बताया था। हम इंदौर में थे, इंदौर से हमें दमू आना पड़ा, दमू से हमें छतरपुर जाना पड़ा, वो सारी चीज़ें हमने बताई, वो नहीं थी उसमें। फैमिली में जो भी हुआ था वो भी बताया था। और क्या बोला था, होता है ना, 1 घंटे का वीडियो था, कितना ही याद रहेगा। तो जब मैं यूट्यूब पे आई तो मैं कैसे यूट्यूब पे आई, मेरे दिमाग में भी यूट्यूब कैसे आया, तो वो भी मैंने बताया था कि मैंने प्रिया दी की वीडियो देखी थी, उनकी वीडियो को देख के मैं मोटिवेट हुई थी। फिर मैंने उनको DM किया था, क्योंकि उस टाइम इतना इंस्टाग्राम नहीं चलता था, तो उन्होंने मुझे जल्दी रिप्लाई किया था। और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने मुझे नहीं किया था, क्योंकि कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता, ये भी मैंने वहाँ पे बोला। उन्होंने मुझे रिप्लाई भी किया था, और उन्हीं का मैंने इंस्पायर्ड मेकअप लुक किया था, तो मेरा वो वीडियो वायरल हुआ था, क्योंकि उन्होंने कम्युनिटी में लगा दिया था। तो कम्युनिटी में लगाने की वजह से मेरे वीडियो पे 2000 व्यूज आ गए थे, और जो मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा आ गए हैं। उसके बाद उन्होंने वो वीडियो हटा भी दिया था, तो मैं उस चीज़ के लिए थैंकफुल थी। किसी ने तो कमेंट किया था जूस टॉक की वीडियो पे कि उनकी वजह से। तो देखो, मैं एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे प्रिया दी के लिए कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि हम दोनों बहुत ही अच्छे कंडीशन में हैं, हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी, कोई किसी की वजह से कहीं खड़ा नहीं होता है। देखो, आज उनकी भाभी हैं, दोनों भाभी हैं, तो उनको व्यूज़ उनके कॉन्टेंट से आएंगे, ना कि प्रिया दी के नाम से। तो पहली चीज़ तो मैंने ये चलो क्लियर कर दी कि ये था, ठीक है। तो वो उन्होंने एडिट किया, क्योंकि उनका था कि दूसरे यूट्यूबर का जिक्र आप अपनी वीडियो में मत कीजिए। तो मैं उसके लिए भी ओके थी, क्योंकि मुझे था कि ऐसे तो मैं थैंकफुल हमेशा रहती हूँ उनको। और जब जो स्टॉक का भी मुझे ऑफर आया था, सबसे पहले मैंने प्रिया दी को बोला था कि मैं जा रही हूँ। तो इधर से आप समझ सकते हो कि मैं उनको क्या इंपॉर्टेंस देती हूँ। मेरे हस्बैंड के बाद अगर किसी को पता था तो वो प्रिया दी थी। ओके, अब उसके बाद मैंने पापा के बारे में बहुत सारी बातें की थी। हम इंदौर में थे, मैंने ये भी बोला कि मेरे हस्बैंड ने भले ही 4000 से जॉब स्टार्ट की थी, लेकिन आज हम बहुत अच्छी अमाउंट में अर्न करते हैं, इससे ज़्यादा मेरे हस्बैंड अर्न करते हैं। एंड वो क्या बिजनेस करते हैं वो भी मैंने वहाँ पे बिल्कुल क्लियरली बताया, ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले कि 4000 की जॉब से आप इतनी अच्छी जॉब करते हो, ठीक है। वो भी, और कैसे हमने मतलब मेरे हस्बैंड ने उसमें स्कोप पाया। लेकिन वही बात, मेरी स्टोरी थी, मेरी चीज़ें दिखाई गई वहाँ पे, इनकी नहीं, वो सारी एडिट थी। चलो कोई बात नहीं।
और पापा को थैंकफुल रही मैं, पापा के लिए मैंने बहुत अच्छा थैंक यू बोला था, क्योंकि मैं पापा से सामने से कभी, मैं सामने से उन्हें बर्थडे विश नहीं कर पाती हूँ ठीक से, बस जन्मदिन मुबारक हो पापा ऐसे टाइप का रहता है, मैं उनको बाकायदा व्हाट्सएप भेजती हूँ। तो इतना ऐसा आप लोग समझ सकते हो कि मैं उनको ऐसे सामने से थैंक यू कभी नहीं बोल पाती, तो मेरा था कि मैं वीडियो के थ्रू बोलूँ। एंड उन्होंने मुझे कैसे कैसे सपोर्ट किया वो सारी बातें मैंने बोली, और ऑल्सो मैंने ये तक बोला कि अगर मेरी लाइफ में आज के टाइम में मेरी फैमिली में, मैं किसी को अपनी फैमिली भी मानती हूँ, मैं मानती हूँ कि कोई मेरा मेरी चिंता करता है, तो वो दो इंसान हैं, मेरे हस्बैंड और दूसरे मेरे पापा, ये दो इंसान हैं जो मेरी फिक्र करते हैं, जो मेरे लिए सोचते हैं, अदरवाइज़ किसी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बाकी जो लोग हैं वो पीछे बात करते हैं, जो कि वहाँ पे आ गया था, हाँ वो आ गया था। तो कुछ कुछ चीज़ें एडिट थी और डेफिनेटली थी, और मुझे लग रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, कुछ चीज़ें होनी चाहिए थी, बट वही बात है कि मेरे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता है। वीडियो उनके पास था, एडिटिंग उनके पास था, डालना उनको था, तो वो सारी चीज़ें उनकी सारी राइट्स थे, मेरी चैनल नहीं है। और अगर कुछ भी चीज़ें एडिट थी तो वो मैं आप लोगों को आगे जाके बोल दूँगी, बता दूँगी, सारी चीज़ें हैं। एंड ऑल्सो मैंने जैसे बोला कि थैंकफुल तो मैं हमेशा रहूँगी आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं था। मैं जहाँ भी हूँ, जैसे भी हूँ, जैसी कंडीशन में हूँ, सब उनकी वजह से हूँ, आप लोगों की वजह से। और एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पर बोलनी है, जैसे कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया, वो मेरे हेटर थे, मुझे पता है कि वो मुझे इतना हद तक हेट करते हैं कि वो मेरे लिए ये भी बोलने में एक बार नहीं सोचते कि वो क्या बोल रहे हैं, उनको इससे मतलब नहीं है सच क्या है झूठ क्या है। चलो ठीक है, आपने मान लिया मैंने जो बोला वो सच नहीं है, मुझे इतना भी नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि ऐसे कुछ कमेंट देखे थे मैंने वहाँ पे कि इतना भी नहीं बोलना था। चलो ठीक है, आपकी बात से मैं अग्री करती हूँ, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था। प्लीज़ बताओ मैं कितना बोलती, क्योंकि क्या आपने मेरी ज़िंदगी जी, नहीं, क्या आप मेरी जगह पर हो, नहीं। तो जब ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता है तो मुझे कितना बोलना चाहिए था, कितना नहीं बोलना चाहिए था, मैंने सही बोला, मैंने गलत बोला, कुछ झूठ बोला, कुछ सच बोला, कुछ नहीं आप लोगों को पता है। ऑल्सो जो स्टॉक कोई छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहाँ पे आप मुंह उठाओ, चल दो, खड़े हो जाओ और आपने जो जो बोलना है बोल दो, उसमें तथ्य होने चाहिए। अगर आप झूठी कहानी वहाँ पे बताते हो तो इससे आपका बहुत बड़ा लॉस है, ये आप याद रखना। तो इस चीज़ को भी आप, अगर आपको लगता है मैंने ज़्यादा बोला है, अगर आपको लगता है मैं कुछ हेटर्स की बात कर रही हूँ, या फिर किसी को लगता है कि मैंने कुछ झूठ बोला है, तो आप इस चीज़ को प्रूफ कर दो। मैं मान लूँगी मैंने झूठ बोला है, ठीक है, चलो वो चीज़ है। सबसे ज़्यादा वहाँ पॉजिटिव कमेंट्स थे, उसके लिए थैंक यू सो मच। नेगेटिव तो एक दो रहते हैं, वो मेरे चैनल पे नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज के वो मेरे चैनल पे ब्लॉग्ड हैं, तो वो वहाँ पे अपनी भड़ास निकालने जाएंगे, उसमें कोई वो नहीं है। अच्छा, एक और कमेंट तो मैंने वहाँ पे देखा था कि कैसे लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं आप, क्या किस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं, जो स्टॉक किसी चीज़ को बढ़ावा दे ही नहीं रहा है, क्या वो इन लोगों उन लोगों को बढ़ावा दे रहा है कि हाँ एक सास प्रताड़ित करी अपनी बहू को ताकि बहू अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाए, जी नहीं। ठीक है, जो स्टॉक उन लोगों को भी बढ़ावा नहीं दे रहा है कि कोई लड़की भाग जाए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनका ये है कि आपने इस चीज़ से क्या सीख ली, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो और क्या आपने झेला। तो आपने ये देख लिया कि मैं घर से निकली, ये मैंने बता दिया और ये आपने इसको बढ़ावा दे दिया, तो फिर आपने ये क्यों नहीं देखा कि एक व्यक्ति जो है वो उसने कितना कुछ झेला ये करने की वजह से, ये भी तो देखना चाहिए था। जो स्टॉक किसी चीज़ को बढ़ावा नहीं दे रहा है, वो आपको एक मोटिवेशन दे रहा है, वो मोटिवेशन इसलिए नहीं कि आप भागो यूट्यूब चैनल खोलो। एक ऐसा कमेंट था, आप लोगों की सोच में लगता है गोबर ही भरा है और अपनी गोबरगिरी दिखाते हो, उसमें कोई भी मतलब मैं तो बोलती हूँ उसमें कोई सकी नहीं है कि आपके दिमाग में गोबर है। गलत बोलती हूँ, मान लेती हूँ मैं गलत हूँ, प्लीज़ आप बताना, मेरी जगह कोई लड़का होता, उसने ये सारी चीज़ें सेम करी होती, क्या उसको त्याग दिया जाता, उसको बोल दिया जाता वो मेरे लिए मर गया है। इतने लड़के हैं, मैंने कमेंट देखा और वो कमेंट से मैं अग्री करती हूँ, इसलिए वो कमेंट को मैं रिपीट कर रही हूँ कि दुनिया में इतने लड़के, कोई किसी का मर्डर कर दे रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई अपने घर से माँ बाप को निकाल देता है, और माँ बाप निकल भी जाते हैं जबकि प्रॉपर्टी उनकी है, और फिर भी वो मेरा बेटा करते रहते। तो प्लीज़ मेरी बेटी क्यों नहीं करते लोग, तब नहीं सोचते समाज के बारे में, मेरी बेइज्जती हो गई, मेरा लड़का समाज के सामने दारू पी के आ गया, या मेरे बेटे ने समाज के सामने जुआ खेल लिया, या मेरे बेटे ने समाज के सामने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया, या मेरे बेटे ने रेप कर दिया जिसमें सबको पता चल गया, या मेरे बेटे ने किसी का मर्डर कर दिया सबको पता चल गया। लड़कियों के लिए ये सारी चीज़ें हैं, ये भी समझो, ठीक है। और मैं एक अनवांटेड चाइल्ड थी, तो इस वजह से थोड़ा मुझे ज़्यादा ट्रबल करना पड़ा। एंड ऑल्सो एक और चीज़ है कि आपकी बेटी आपके हिसाब से चल रही है, आपने जो बोला उसने किया, आपने जहाँ स्ट्रगल करने के लिए बोला किया, जहाँ ये बोला गया कि छोटी है कर सकती है तू कर, आपकी बेटी ने किया। चीज़ बोलना चाहती हूँ कि मैं जो स्टॉक पे बिल्कुल नहीं रोना चाहती थी,
ना मैंने रोया, मैंने खुद को बहुत संभाला, मैंने नहीं रोया है, मैंने टॉपिक को चेंज किया, क्योंकि अगर मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे गई हूँ तो मैं रोने के लिए नहीं गई हूँ, उसके लिए मेरा चैनल काफ़ी, आप लोग मेरे लिए काफ़ी। क्वेश्चन ही नहीं निकले, मुझे ये था कि मुझे अपनी जर्नी बतानी है, मुझे इससे मोटिवेट करना है, मुझे ये नहीं करना। कुछ लोगों को लगा मैंने इसमें घमंड दिखाया जो स्टॉक की वीडियो में, नहीं मैंने घमंड नहीं दिखाया, वो मेरा कॉन्फिडेंस था। घमंड और कॉन्फिडेंस में थोड़ा तो फर्क है। अब वही बात है ना कि वो थोड़ा फर्क आपको समझने की ज़रूरत है, आप समझोगे तभी तो आपको वो फर्क नज़र आएगा। एक जो मुझे लगता है सबसे बड़ा रियलिटी चेक है कि लड़की ने किया तो गलत हो गया, लड़का करता तो गलत नहीं था, ये डेफिनेटली है। आप अपने लड़की को हमेशा के लिए अपने घर से नहीं निकाल सकते हो। और मैं एक और चीज़, चलो ठीक है, मैं बात करती थी, मेरे घर वाले मेरी पूजा नहीं करते, वो मुझे मारते ही, वो मुझे गाली ही देते, वो मुझे परेशान ही करते, मेरी पढ़ाई ही छुड़वाते। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मुझे इस तरीके का कमेंट करते हैं, मैं कभी बोलना नहीं चाहती थी इन सारी चीज़ों पर, बट आज मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए। आप मुझे एक बात बताओ कि जैसे मेरा भाई है, वो किसी लड़की से बात करेगा या वो उससे मिलेगा भी, तो क्या मेरे घर वाले मेरे भाई को घर से निकाल सकते हैं? एक लड़की करे तो इज्जत खराब, लड़का करे तो शान, ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता। अब मैं यहाँ पे अपने घर वालों की बेइज्जती नहीं करूँगी, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें हैं मुझे बोलने के लिए, लेकिन उससे क्या होगा मेरे घर वालों की, चाहे वो मेरे मायके वाले मुझे माने या ना माने, पर जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक वो मेरे मायके वाले रहेंगे। ससुराल वाले मुझे माने या ना माने, जब तक मैं जिंदा हूँ या जब तक वो जिंदा है तब तक वो मेरे ससुराल वाले रहेंगे। तो उनका बुरा अच्छा सब कुछ मुझसे जुड़ा हुआ है, इसलिए क्यों बोलूँ मैं, अपना मुँह ख़राब नहीं करूँगी। बाकी ये ज़रूर बोलूँगी कि दो लोगों के लिए अलग अलग रूल्स नहीं होने चाहिए सेम घर में, लेकिन हैं वो। और बस मैं इतना बोलना चाहूँगी कि जो हो चुका है वो मेरा पास्ट था, जो अभी है वो मेरा प्रेजेंट है, और जो होगा वो मेरा आगे का फ्यूचर रहेगा। तो मैं आगे के लिए रेडी हूँ, मैं सारे स्ट्रगल के लिए रेडी हूँ। मैंने उस वीडियो में भी, जो स्टॉक की वीडियो में भी बोला था कि मुझे ये भी पता है कि आगे भी मुझे बहुत स्ट्रगल करना है, और मैं उसके लिए बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ, क्योंकि इस चीज़ से मुझे एक जोश मिला है, इस चीज़ से मुझे एक ताकत मिली है, जो मेरे पीछे चीज़ें हुई हैं कि कुछ भी हो जाए अपनी ज़िंदगी में हार मत मानना, कहीं ना कहीं तो आपको आप मतलब अगर आपने हार मान ली तो आप कहीं नहीं जा पाओगे, लेकिन अगर आपने हार नहीं मानी, अपनी चीज़ों को अच्छे से निभाया और जो भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है उसको हंसते हंसते ले लिया, मे भी आगे जाके आपको कुछ और अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं। तो मुझे लगता है इससे बुरा क्या ही होगा, और अगर इससे बुरा होगा तो उसके लिए भी मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ, और जिन चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी वो चीज़ें हो गई ज़िंदगी में, तो इनके लिए तो मैं हुई मेंटली प्रिपेयर्ड और बहुत अच्छे से हूँ। मैं बस भगवान से यही बोलती हूँ कि मेरी जैसी ज़िंदगी किसी को ना दे। भगवान मेरे जैसी ज़िंदगी किसी को मत देना, किसी भी लड़की को बस मेरे जैसी ज़िंदगी नहीं देना। आप लोग बोलते ना मेघा मिशी कैसे करेगी, उसको भी मुझ जैसा मत बनाना, सच बता रही हूँ। समटाइम मुझे लगता है कि मेरा भाग्य मत देना उसको, मुझ जैसा बना देना, मुझ जैसा स्ट्रांग बना देना, मुझ जैसी सहनशीलता उसके अंदर रख देना, पर मेरा जैसा भाग्य उसका मत रखना। कि ना तो मायका ना तो ससुराल, कोई नहीं है, आप अकेले हो। आज भी मैं यही सोचती हूँ, ना मेरे पास मायका है ना मेरे पास ससुराल है, और सच बता रही हूँ समटाइम आपको फील होता है कि कोई होना चाहिए जिससे आप गले लग के रो लूँ, और वो नहीं होते हैं। हर टाइम अपने हस्बैंड को नहीं ले सकते हो आप अपनी किसी चीज़ में, क्योंकि फिर वही होता है कि अगर आप हर टाइम उस इंसान को अपने पास रखोगे और इस तरीके की बातें करोगे तो वो इंसान भी पागल होने लगेगा, क्योंकि वो भी वैसे ही अकेले हैं जैसे मैं अकेली हूँ, उनको भी किसी का कोई सपोर्ट नहीं है।